प्रदेश की सरकारें महिला उत्पीड़न को लेकर लगातार सख्ती बरत रही हैं, वहीं दूसरी ओर आज भी समाज में कुछ ऐसे घृणित मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो परिवेश में किसी न किसी लालचवश महिलाओं को उत्पीड़ित करने या उनका उत्पीड़न करने से बाज नहीं आते हैं। आज भी लगभग प्रतिदिन कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न की खबरें सुनने को मिलती हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला कोतवाली नगर के खोजनपुर मोहता दक्षिण का सामने आया, जहां एक महिला को उसके ससुराल वालों ने पीट कर अधमरा कर दिया। मौके पर उसने ग्राम प्रधान के घर भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। वहीं इस मामले को लेकर सपा के पूर्व MLC लीलावती कुशवाहा पीड़ित पत्नी को देखने के लिए जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पीड़िता की माने तो उसका विवाह ग्राम जोखनपुर निवासी सौरभ यादव से 2014 में हुआ था। उस समय उसके पति बेरोजगार थे। कुछ समय बाद उसको बिजली विभाग में SSO की नौकरी मिल गई, जिसके बाद से ससुराल वाले लगातार उसे मारते पीटते हैं। वहीं पुलिस ने 4 बार FIR भी लिखाई गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कोतवाली नगर क्षेत्र में विवाहिता महिला हैं, अभी करीब 5 साल पहले शादी हुई थी, इनके साथ में पति और ससुराल जन मारपीट किए हैं। तो यहाँ पर तो हैं, बस मारपीट हुई है, लेकिन पोजीशन ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और इसमें जो है जो भी तहरीर दे रहे हैं उसके आधार पर कार्यवाही की जाए। सर, तहरीर की बात करें तो इससे पहले 4 बार इसमें तहरीर दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वो सारे तथ्य देखे जाएंगे, अब इसमें जो केस रजिस्टर होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तो पूर्व में जो भी उत्पीड़न किए हैं वो सब रिकॉर्ड करेंगे। महिला का रोल क्या जी इस घटना के संबंध में? देखिए, ये यहाँ पर जो मारपीट किया ससुराली जन ने, जो मैंने बताया है, उसके आधार पर जो विधिक कार्यवाही की जा रही है, जो पति हैं और ससुराली जन हैं उनके विरोध में, और ये इनकी मारपीट है, इनका ट्रीटमेंट यहाँ हुआ है, पोजीशन ठीक है। घायल हुई है, आप लेके आए थे, एडमिट कराए, क्या है? ये हमारी ग्राम पंचायत खोजनपुर मोदा दक्षिण की है, सुमन यादव पत्नी सौरभ यादव, इसका पति जो है बिजली विभाग में SSO पद पर है। 2016 में इसकी शादी हुई थी, और जब शादी नहीं हुई थी तो इसको नौकरी इसके पति को नहीं मिला था, लेकिन नौकरी जब पा गया तो इसको छोड़ना चाहता था, छोड़ के दूसरी शादी करना चाहता था। कल इसी बात को लेकर उनके यहाँ SCN के यहाँ गई थी शिकायत करने की, सर जो है हमारी शादी हुई है और हमारे पति जो है हमको छोड़कर दूसरी शादी करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर जो है आज सुबह इसके घर पर लेटी थी तो 2 लोग और इसके परिवार के लोग आए और इसका मारना पीटना चालू किए, और किसी तरह जान बचा के मेरे घर पे जब आके गिरी तो हम इसको फोन पुलिस पे सूचना दिए, CO/CTO साहब को दिया, चौकी इंचार्ज साहब को दिया, तो इसको ला के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसमें सब लोग आए, मैडम भी आई हैं, लीलावती कुशवाहा मैडम। 100 नंबर डायल किया आपने? नहीं दी उस समय, उसको मौका नहीं मिला कि 100 नंबर डायल करे या ना करे, भाग के आए। मेरे पास जब आए तो मैं अपने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज मेरे तुरंत भाग के आए और इसकी पूरी मदद की। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने पूरी जुटे हैं, लगे हैं, सब आए हैं, उसके शायद सास को जेठानी को लेके बैठाए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग जी? क्या चाहते हैं आप लोग? हम कार्रवाई चाहते हैं कि इसके ऊपर न्याय मिले। हमारी MLC मैडम जी हैं, लीलावती कुशवाहा जी आई हैं, इन्होंने बहुत प्रयास किया तब जाके इसे जो है आज इसका इलाज ठीक ढंग से हो रहा है, नहीं तो शायद कोई पूछता नहीं।